और इनमें से किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी है? ऑब्वियसली लोड बेयरिंग कैपेसिटी सॉलिड्स के पास है। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ ऐसे जादुई चीज दिखाऊंगा जो आपको लगेगा क्या बात है सर जी, क्या इस पेपर के पास कोई लोड बेयरिंग कैपेसिटी है? दिखाएं, पेन रख के ऊपर, हाँ सिलेंडर बना दूं तो है क्या उसी पेपर जिसके पास कोई ताकत नहीं है? सिलेंडर बनाने की जरूरत ही नहीं माय डियर, तो पेन ला, मैं तो इस पेन को इस पेपर में रख के दिखाता हूं, पेपर होल्ड भी करेगा, ध्यान दीजिए, ऐसे में रखूंगा पेन तो नीचे चला जाएगा, है ना। लेकिन इस पेपर को मैं हल्का सा कर्व कर दूं, हल्का सा, इट इज एबल टू टेक दी लोड, क्योंकि मैं जब कर्व करता हूं तो एक नई चीज पैदा होती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया, या थोड़े समय बाद इसको सेक्शनल इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शनल इनर्शिया। आपने इसको देखा होगा कई बार, कभी वो चने खाए हो जिंदगी में ऐसे पेपर से, या दाल, दाल तो ऐसे नहीं निकले तो पूरा कल्चर, मतलब ये पेपर है, पेपर से दाल कैसे निकलेंगे? निकाल सकते हैं वो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या कभी न्यूज पेपर को स्टैक करना हो तो आप पेपर को ऐसे फेंको, नहीं आगे बढ़ेगा, पेपर को ऐसे फेंको तो आगे जाता है, जाता है नहीं, बहुत कम है। अगर गड्ढा हो पेपर का, न्यूज पेपर का गड्ढा, अगर आप ऐसे फेंकिए तो यहीं गिर जाएगा, उसको कर बना के फेंकिए तो ट्रैवल करता है। बिकॉज क्या किया मैंने, इस बॉडी को केवल और केवल एक शेप दिया है। अरे इतना ही क्या, मैं इस पेपर पे ही पूरी की पूरी बॉटल टिका सकता हूं और बॉटल बैलेंस हो जाएगी। देखा भी होगा तुमने, बहुत सारे लोग ऐसे करते थे, फ्लेक्स करते रहते थे, मैं भी करता हूँ, तो बेसिकली आप, मैं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। आप इस पेपर को कई बार मोड़ दीजिए, पंखा आ जाए, मोड़ पंख टाइप का आते थे, हवा करते थे बचपन में, किसी को याद नहीं होगा, इतनी भारी बोतल, थोड़ा पागल हूं क्या? कुछ भी, ये जो ये इसकी बोतल, पालक की बोतल यूज करेंगे, पालक, ध्यान दे, वो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो टाइम नहीं मेरे पास। अब ये जो बोतल है भाई साहब, इस बोतल को मैं, इस बोतल को मैं ना इसके ऊपर भी बेंड, इसके ऊपर होल्ड कर सकता हूं, आ जाए तेरा गिर जाएगी तेरी बोतल, मुझे नहीं पता, छोड़ छोड़ दे, थोड़ी देर थी ना वो बैलेंस नहीं हो पा रही, तो बात लोड तो ले रही है ना, बकल तो नहीं हो रही ना, तुम तो पकड़ने में कर देता हूं फर्जी, बस ज्यादा नहीं हो पाया, ठीक है ले बहुत पहले, तो दिस इज बैलेंस, बिकॉज ये तो बहुत एक सिंपल पेपर जो बोतल का वोट लेड ले नहीं सकती है, उसको एक नया शेप दे करके, किसी का टेस्ट है, तो किसी का, किसी को उसको शेप दे करके आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सॉलिड जो है ना, सॉलिड जो चैप्टर है, होल बना दो सर, वही बोल रही है वो, सबने देखा होगा ये, सब लोग शॉर्ट बनाते रहते हैं आजकल ये सब चीजें, बट अगर उनसे पूछ लो ये क्यों हो रहा है तो ये बोलते हैं इस वायरल वीडियो में ऐसा क्यों हुआ, कमेंट करके बताइए, खुद पता ही नहीं है तो कहां बताएंगे, ऑब्वियसली नहीं पता होता लोगों को। अगर मैं आपसे पूछूं ये ऐसा ही क्यों हो रहा है तो रिप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल है, कि ये पेपर ऐसे तो लोड नहीं ले पा रहा, बट अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो एक लोड ले पा रहा है, इसका आंसर, इसकी तो वीडियो बन सकती है ना, बताइए इसका कारण क्या है, बनाऊंगा बाद में, बना कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है, कोई कमेंट नहीं आया क्योंकि पता ही नहीं लोगों को, मैंने क्लास बता दिया था, अच्छा वीडियो बनाना, सॉरी बताता हूँ आज बनाते हैं, मुझे आइडिया नहीं मिलता, दिक्कत यही है। तो ध्यान दीजिए जो फिजिक्स बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में आती है, बिकॉज वैसे तो इस चैप्टर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको है नहीं, आपको केवल नंबर चाहिए, इस नंबर, इस चैप्टर में नंबर आते हैं तीन चीजों से, बता देता हूँ वो चीजें क्या है, हुक्स लॉ आना चाहिए, आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जरूर आएगा अगर पढ़ाया है, और तीसरी बात है यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन, इस पर ही क्वेश्चन आते हैं, इस पर ही थ्योरी आती है, नथिंग मोर नथिंग लेस। बट ये चैप्टर जबरदस्त इसलिए बेटा कि ये चैप्टर आपको बताता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ये चैप्टर वो चैप्टर है जो बताता है कि कैसे एक मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है इन मेकिंग इंजन और इन मेकिंग एनीथिंग, इवन ये जो चेयर आप बैठे हैं वो भी एक तरीके का इंजन है, कुछ भी बकवास चल रही है, यस इट इज टेकन एनीथिंग विच रिड्यूसेस एफर्ट ऑफ ह्यूमंस इज कंसिडर्ड टू बी ए इंजन, याद है ना, 3D में बोलता है वही सच है, मशीन या इंजन, मशीन इट इज अ मशीन, इवन योर चेयर इज कैन बी कैटेगराइज एज मशीन, बिकॉज आपको अगर चेयर हटा के ऐसे बैठने को बोला जाए तो आपकी आंखें बाहर हो जाएंगी, तो आपको चेयर हेल्प कर रही है,
लेकिन कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें चेयर प्लास्टिक की बनानी है, कैसे डिसाइड करते हैं कि केवल चेयर के चार पावे होने चाहिए, कैसे डिसाइड करते हैं इस लोहे की जो टेबल सामने रखी हुई है जो कि आदि काल पुरानी है, दसियों साल पुरानी चेयर है, टेबल है, उसके जो लोहे के पावे दिख रहे हैं आपको, बोलो यार, लोहे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्यों इस लोहे के स्ट्रक्चर में यूज जो रॉड है वो हॉलो है या सॉलिड है? हॉलो है। तो सॉलिड यूज करने में क्या होता है? वेट बढ़ाता, उससे क्या होता है? पैसा। एग्जैक्टली, तो कहानी इज ऑल अबाउट पैसा। जो चीज है वो डिजाइन की जाती है, मैंने कहा भाई मैंने मस्त चेयर डिजाइन करी जिंदगी, मस्त जबरदस्त चेयर, टाइटेनियम की इसके अंदर पावे लगे हुए हैं, ले लो। ये नॉर्मल चेयर 1000 की आती है, वो 16000 की है, कोई लेगा, कहीं कोई लेगा, एक दो पागल होंगे ले लेंगे, हमारे पापा पैसा है, करना क्या है, चलो टाइटेनियम की टिप, किसी काम की नहीं। पर अगर मैं बोलूं कि मैं इस पर, आपने वुडन टेबल देखी होंगी सामने लगी हुई है, तो वुडन टेबल जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, हॉलो होती हैं, वो हॉलो क्यों नहीं होती? स्ट्रेंथ सस्ती नहीं होती है? दैट टेबल इज एटलीस्ट, दिस टेबल इज एटलीस्ट 20 टाइम्स मोर कॉस्टली देन दिस टेबल। लकड़ी का कॉस्ट सबसे महंगा कॉस्ट है इंडिया में, यू शुड नो दैट। तो लेकिन लकड़ी में स्ट्रेंथ नहीं होती, इसमें विच स्टील में स्ट्रेंथ होती है। अब ये वर्ड स्ट्रेंथ क्या है, इस चैप्टर का पूरा सार केवल वो वर्ड है, दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू कैटेगराइज समबडी टू बी अ स्ट्रांग मटीरियल, समबडी टू बी अ वीक मटीरियल? फॉर एग्जाम्पल, जब आप पेंटागन वॉल जाते हैं, आप लिफ्ट में जाते हैं, तो आप समझते हैं कि लिफ्ट के ऊपर एक रोप है, स्टील रोप, जो कि एक मोटर से वाइंड अप होती है, जब वो वाइंड इन होती है तो आप ऊपर जाते हैं, जब वाइंड खुलती है तो आप नीचे आते हैं, कहानी यही है। एंड यू आर बींग हेल्ड बाय अ सिंपल रोप, जहां पर आप, उसमें लिखा होता है 14 बंदे या 1080 केजी के ऊपर इस पर मत बैठिए, लिखा होता है ना, और आप सबने नोटिस किया कि पूरी की पूरी लिफ्ट बढ़ जाती है, फिर भी लोग हमें अंदर आने दो भाई, हमारा छोटा बच्चा है, ये होता है ना, ऐसा होता है ना। अगर लिफ्ट में जो बंदा बैठा उसके पास ये चॉइस होती, अरे आ जाओ यार, एक ही तो और आना है, आ जाओ, और लिफ्ट चल जाती, हादसे जरूर होते, और दिन में कम से कम एक बार लिफ्ट टूट जाती, एक बार। ऐसा नहीं होता, बिकॉज देन वी कंबाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भैया ये जो बंदा बैठा है इसको तो कोई धमका देगा कि भाई 10 लोग बैठेंगे चलो लेकर के, मशीन बोलती मैं चलूंगी नहीं, 10 के ऊपर बाहर निकलो, अलार्म आएगा एंड इट विल, द डोर विल नॉट क्लोज। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो लिफ्ट को ऊपर नीचे लेके जा रही है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि लॉजिक दे रही है कि हाँ इसके ऊपर जाना। इस फील्ड का एक नाम है जो भी मैंने पढ़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं मेकाट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं? मेकाट्रॉनिक्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स गिव्स यू मेकाट्रॉनिक्स, जहां पर आप, जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आप चीजों को समझ पाते हैं, जब आप जानते हैं कि वहां पर प्लास्टिक का वायर नहीं लगेगा, आपको पता है कि टाइटेनियम का वायर भी नहीं लगेगा, आपको यह भी पता है कि कॉपर का वायर भी नहीं लगेगा, इट हैज टू बी अ स्टील वायर, इट हैज टू बी अ 7 कोर वायर। अभी आपने लिफ्ट का वायर देखा नहीं होगा, एक सिंगल वायर नहीं होता, वो बहुत सारे वायर्स कॉइल बना करके यूज किए जाते हैं। क्यों? एक सिंगल वायर का स्ट्रेंथ कम होता है, एक सिंगल मोटे वायर का स्ट्रेंथ भी कम होता है, लेकिन बहुत सारे पतले पतले वायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जैसे आपने वो कहानी सुनी है लकड़ी वाली, सिमिलरली वही है। तो ये सारी कहानियां आपको इस क्लास, इस चैप्टर में पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक। आई विल नॉट बी एबल टू डिजाइन अ लिफ्ट राइट नाउ विद मल्टीकोर वायर, आई विल बी डिजाइनिंग द लिफ्ट विद सिंगल वायर। मल्टीकोर वायर में बहुत सारी और चीजें भी आती हैं, जिसमें एक बहुत चीजें हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी करके है कुछ, जो आप बाद में पढ़ोगे अगर आपने बाई चांस कोई लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये जो चैप्टर है वो सारी चीजों के साथ साथ आपको ये कॉन्शियस रहने को बोलता है कि भाई पैसे का जरूर ध्यान देना, जो भी चीजें बनाओ उस पर ध्यान देना कि जो पैसा लग रहा है वो पैसा कितना है, बिकॉज इफ यू डिजाइन समथिंग विच इज वेरी कॉस्टली एंड इट इज कॉस्टलियर देन देयर कॉम्पिटिटर्स, नोबडी विल बाय इट, यस ऑर नो? अब एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूं, सो दैट वी कैन गो अहेड विद दिस टॉपिक। सबको वॉशिंग मशीन के बारे में पता होगा, सब जानते हैं टॉप लोड, ये कौन सी होती है, फ्रंट लोड। तो ये कहानी रियल कहानी है, 2004 की कहानी है, और बड़ी जबरदस्त कहानी है, एंड इट इज बेसिकली वन ऑफ दी केस स्टडीज जो हर मैकेनिकल इंजीनियर को पढ़ाई जाती है। कहानी ये है कि पंजाब के एक सेगमेंट में देर वॉज समथिंग हैपनिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक। हो क्या रहा था, पंजाब में कई सारे जो वॉशिंग मशीन वेंडर्स थे वो रिपोर्ट कर रहे थे कि यार
जो वॉशिंग मशीन कम से कम 12 महीने चलने की हालत में है, उस वॉशिंग मशीन को लोग 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने में लेके आ जाते हैं, बोलते हैं काम ही नहीं कर रही, और वो सच में काम नहीं कर रही होती. एंड इट वॉज अ कहते ना पॉइंट ऑफ डिबेट कि भाई वो वॉशिंग मशीन बेसिकली प्रॉब्लम है क्या. तो डेटा जब कलेक्ट किया गया तो पता चला वो वॉशिंग मशीन के जो ओनर्स हैं दे बिलोंग टू अ वेरी स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड दोज आर ढाबा वाला. जो ढाबे वाले होते हैं पंजाब में, उस उन ढाबे वालों ने वो वॉशिंग मशीन खरीद रखी थी. एंड ये नोटिस किया गया कि जो सेगमेंट था ढाबे वाले का वही वॉशिंग मशीन खरीद के आते हैं 12 महीने में. इट इज लाइक रिप्लेसेबल वारंटीज होती थी उस समय, लाओ नहीं चल रही लेके जाओ, नहीं वहां पर गारंटी चलती थी, अभी वारंटी चलती. तो उसमें क्या होता है, अगर आपका सामान वर्किंग पोजिशन में नहीं रहता है तो आपको नया जाइए ले जाइए, इफ यू कैन नॉट फिक्स इट वी विल गिव यू न्यू. ये टैगलाइन होती थी उस समय. अब ये टैगलाइन खत्म हो चुकी है, नोबडी विल रिप्लेस यू, दे विल ओनली गिव यू सर्विसेज, बिकॉज नाउ इंडियंस के दिमाग बहुत तेज चलते हैं. और ध्यान सुनिए, वो वॉशिंग मशीन खराब क्यों हो रही थी. वॉशिंग मशीन इज डिजाइंड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर डीलिंग विद समथिंग कॉल्ड वॉटर विद सम, जो भी आपका वॉशिंग सोडा वगैरह है. दे वर मेकिंग लस्सीज इन वॉशिंग मशीन एंड दिस वॉज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि लस्सी जो बनाने में जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड है 10 लीटर लस्सी एक बार बन जाती है वॉशिंग मशीन से, बन सकती है क्योंकि सब कुछ वही है जो नॉर्मली एक 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 मिक्सर में हो रहा है वही वॉशिंग मशीन में हो रहा था. एंड इट इज अ रियल स्टोरी, इफ यू गूगल इट यू विल सी दैट. एंड दे व्हेन इट वाज, क्योंकि आप अगर वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाओगे तो मोटर की जयशीरा हो जाएगी, जयशीरा होने के बाद दे यूज टू क्लीन इट वेरी नाइसली एंड देन ये यूज टू से चल नहीं रही है तुम्हारी वॉशिंग मशीन नहीं दो. एंड इट वॉज अ बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमारे टाइम की मुझे अच्छे से याद भी है. और ये स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हेड ने मुझे सिखाई थी. यही होता है कि अगर तुम ये डिजाइन कर रहे हो और डिजाइन करते समय जब सामान बेच रहे हो तो आप उसे बताओ वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए. तुम सुनो ध्यान से, कंपनीज लॉस्ट दी सूट जो बनाते ना, उन्होंने भाई साहब बोला कि कहां लिखा है कि इसमें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने केवल, लस्सी क्यों नहीं बना सकते, कहां लिखा है, ये तो वॉशिंग मशीन है ना. तो भाई अगर ये घूम रही है तो आई कैन ऑलवेज यूज इट फॉर एनीथिंग. तो इवेंचुअली देवर मतलब नेगोशिएशन में उनको बहुत नुकसान हुआ कंपनीज को. एंड देन कंपनीज ने फेल सेफ यूज किया कि अगर मोटर में कोई भी मॉइस्चर आता है तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है, तब से ये ट्रेंड चालू हुआ. बट ये समझो ध्यान से कि लूप होल है, जिस चीज के लिए जो चीज डिजाइंड है अगर उस चीज पर वो चीज यूज नहीं हो रही है तो उसकी गारंटी वॉइड होनी चाहिए. ऐसा होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू वेरी रियल केस एग्जाम्पल नाउ. ये चेयर में 2012 में टेबल में 2012 में लाया था, इसमें 4 पाए हैं वगैरह, इसने मुझे 1000 रुपए दी होगी, इसमें याद नहीं, बगे वाले अंकल जो है ना उन्होंने दी थी. अब क्या है, मैं चेयर लाया यहां पार्टी कर ली, 3 लोग इसमें खड़े हो गए, कुछ नहीं हुआ, बच गई. तुमने आवाज क्या बात है, वैसे तो ये डिजाइन है कॉपी किताब रखने के लिए, बट अभी तो कम से कम 6 लीटर का पानी रखा है इसके ऊपर, बट इट इज डिजाइन फॉर कॉपी किताब. हमने कहा नहीं, हम तो पार्टी करेंगे इसके ऊपर खड़े. 3 लोग क्या, 3-4 हो गए, 5 ऐसे हुआ टूट गई. हम गए दुकान में, देखिए क्या करता है, किताब रखी टूट गया. कैन ही प्रूव कि उसके ऊपर कोई आदमी चला था, nobody can prove that, but yes I have exploited something and therefore I don't get guarantees about it. We don't get guarantees about hardwares. ये hardware है, इनको कैसे use किया गया हमें पता नहीं है. जहां अगर electronics होगी वहां पर हम check कर सकते हैं, हाँ भाई कौन खड़ा था पता कर सकते हैं, इतना load रखा गया था. इसलिए कौन बताया कि मैं टूटा तब था जब मेरे ऊपर 300 kg का weight आया था, टूट गया बस, है कि नहीं. इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल एक और है, कभी आपने वो देखी लकड़ी वाली छोटी सी वो बेड वाली टेबल आती है. एक बार ने वो लाया बड़ी सुंदर, मेरी माता से भी आई हुई थी, वो सफाई कर रहे थे, उन्हें टेबल चेयर नहीं मिली, उन्होंने वही खोली उसे बैठ गई, कड़ाक चली आई ऑब्वियसली. तो इसी साइड टूट कैसे गई, मैं कहा ये डिजाइन है 5 kg 10 kg तुम 60 kg तो कहां चलेगी. तो ये क्या है, कई वो चीज जो डिजाइन की गई है उसी के लिए यूज करनी चाहिए भाई, ये सुनो. लेकिन ऐसा होता नहीं है कई बार. तो हमें क्या करना होता, मैं तुम्हें एक परव्यू दे रहा हूं कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि चीजों में मटेरियल क्या यूज करो. अगर मैं बग्गा जी के पास डेली लेके जाऊं, चेयर टूट गई, बोले ठीक है आप चेयर लेके जाइए, ये वाली टूटेगी नहीं. उन्होंने क्या किया, 4 पाए हटाए, नीचे पूरी बुलोहे का ब्लॉक लगवा दिया. अब खड़े हो जाओ बेटा, बस वो कॉस्टलियर थी, इससे 10 गुना 10,000 की आई. बट एक बात बता, मैं तो खरीद लूंगा, तुम्हें डांस कराना है इसके ऊपर, बट कोई और खरीदेगा सर,
तो यहां पर कॉस्ट एंड डिजाइन दोनों एक फैक्टर है। बट एक चीज और समझो, जब तीन लोग इस पर खड़े थे तो क्या टूटी थी? नहीं टूटी थी ना। क्या ये तीन लोग के खड़े होने के लिए बनी है? नो, इट इज मेड फॉर बुक्स, बट देन बुक्स कुड बी हैवियर। तो जब सर, जब जब एक इंजीनियर डिजाइन करता है और बोलता है कि मुझे 5 kg सामान रखना है इसके ऊपर, तो वो उसको कम से कम 20 kg के लिए डिजाइन करता है। इसके लिए 20 kg, और ये 5 kg का 20 kg है, उसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं इसे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। शायद स्कूल में बताया गया हो, शायद ना बताया गया हो। तो ऑल दीज थिंग्स इवेंचुअली आर इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर के डिस्कशन के लिए। अगर हम बात करें तो हम केवल सॉलिड्स के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे, ना गैस के बारे में, ना लिक्विड्स के बारे में। लेकिन मैं आपको लिक्विड के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, बिकॉज अगला चैप्टर क्या है? लिक्विड या फ्लूइड्स का। तो इस चैप्टर का जो टारगेट प्लान है, ये है आपका सिलेबस। अगर ऊपर नीचे कुछ हो तो मुझे बता दीजिए। द सिलेबस डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी, बात करता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप की, बात करता है हुक्स लॉ की, अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जो कि सॉलिड्स का कहते ना बिहेवियर, पूरा बिहेवियर डिफाइन करता है मेरा हुक्स लॉ। ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, काफी जबरदस्त लॉ है। इस लॉ के लिए ही एक मशीन बनाई गई है जिसको बोलते हैं UTM। क्या बोलते हैं? UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल। इफ यू गो इन टू अ गुड कॉलेज, यू विल बी एबल टू, यू विल हैव द प्रिविलेज ऑन वर्किंग ऑन दिस UTM on, in the first year. Every good college in India, अगर BTech करते हो तो first year mechanical engineering का एक course होता है जिसमें इस UTM पर experiments करते हैं आप। आपको लोहे की rod दी जाएगी, आपको लोहे की rod पर लेके जाना पड़ेगा, इस machine पर लगाना पड़ेगा और उस पर load बढ़ाओगे, वो rod टूटते हुए आप slow motion videos बनाओगे, फिर आप उसका graph plot करोगे जिसको आप बोलते हैं stress strain curve। लेकिन this will only happen if you go to a good college. If you go to a bad college or average college, you will never see what is UTM. तो अगर आप अच्छी कॉलेज में जाते हैं तो आप UTM पर काम कर पाओगे खुद। ठीक है भाई साहब, आगे बात करते हैं। बड़ी जबरदस्त मशीन है, मजा आता है देख करके। आप खुद देखोगे लोहा टूटने से पहले रिपल्स बनाता है, जैसे पानी में रिपल पड़ते हैं ना, पानी में पत्थर मारो तो वो रिपल्स बनते हैं। जब आप लोहे को खींचोगे ना अचानक से, तो अगर स्लो स्पीड कैमरे से उसको देखा जाए तो जो टूटने से पहले लोहा ऐसे करता है, वाइब्रेट करता है, रिपल्स बनते हैं मटेरियल के, और उसे बोलते हैं फेलियर पॉइंट। जो यहां पर आएगा, जो आपने पढ़ भी रखा होगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। पढ़ा है कि नहीं? खुद ही पढ़ा। अच्छा ठीक, तो अब खुद ही पढ़ लेती फिर मुझे करवा दी। तो बेसिकली ये इलास्टिसिटी पढ़ लेंगे आज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ लेंगे आज, यंग मॉडल्स, बग मॉडल्स और शेयर मॉडल्स पढ़ लेंगे आज, सब कुछ पढ़ लेंगे आज, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मटेरियल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए शुरू करते हैं कहानी। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, देयर आर 3 types ऑफ मटेरियल्स। सारे मटेरियल्स को 3 parts में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक, और एक कहलाता है परफेक्टली इनइलास्टिक। आप समझो, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, चीजों के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिक है क्या? अभी लिखना मत बता, मैं बता दूंगा तभी लिखना। ये रबर बैंड इलास्टिक है, मैं तो खींच रहा हूं, छोड़ रहा हूं तो ये अपने शेप को रिगेन कर ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। क्या है? इलास्टिक। हाँ है ना? अगर मैं इसी चीज को मैं इस वायर से करने की कोशिश करूं, ए हो पाएगा? 2 होना चाहिए ना पेज। इसमें एक वायर है, ठीक है। अब अगर मैं इस वायर को खींचूं, देख लो, तो ये अपना शेप रिगेन कर रहा है, इसे बोलते हैं प्लास्टिक। ये क्या है? जो इसके अंदर वायर है, कॉपर वायर है। अगर मैं उसके साथ भी यही कर पाता, वो मैं यहां नहीं कर पा रहा हूं, वायर को खींचता, तो क्या वो अपना शेप रिगेन करता? यस, इट विल रीगेन। मेटल्स आर मोस्ट इलास्टिक मटीरियल एंड दैट बैलून इज नॉट इलास्टिक इटसेल्फ, इट इज नॉट इलास्टिक। ये इलास्टिक है ही नहीं, बिकॉज ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता। ये समथिंग लाइक वेक्टर की कहानी है, हुक्स लॉ फॉलो करेगा तभी इलास्टिक होगा। इसे बोलते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर इज अ पॉलीमर का, इज अ पॉलीमर जिसका नेचर इलास्टिक इन सेंस हो। स्टील दुनिया का सबसे इलास्टिक मटेरियल है, सबसे। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बैंड। भाई साहब सुनने में लगता है ये बकवास कर रहा है, लेकिन व्हेन मैथमेटिक्स कम्स इनटू प्ले यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ सच बोल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो हम यहां पर इलास्टिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं रिजिड बॉडी। क्या लिखते हैं? रिजिड बॉडी। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? रिजिड बॉडी। What is a rigid body? A rigid body is defined as a body which will not deform, is defined as a body which will
नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस. इन वेरियस फोर्सेस में से सबसे इंपॉर्टेंट एक फोर्स है, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स. अब भाई आज एक नया नाम सुनो, उसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स. कौन सा फोर्स? अभी तक हमने वो नहीं सुना बेटा. एक ऐसी फोर्स जो बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर पाए, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स. तो यहां पर जब मैं बोलता हूं इन डिफॉर्म का मतलब अपना शेप या साइज चेंज है, एटलीस्ट फॉर अ स्मॉल टाइम इट इज चेंज. ये वापस आ पा रहा है क्योंकि इसके अंदर खासियत है, वो वापस नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसके अंदर वो खासियत नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिथीन है, अब ये पॉलिथीन इलास्टिक है कि नहीं है? कुछ मैं इसे फोर्स लगाई एक इलास्टिक अभी भी है, इट विल रिगेन शेप. हर बॉडी इलास्टिक होती है, दुनिया की हर बॉडी इलास्टिक होती है. घर में जो मम्मी जो रोटियां बनाने से पहले डो बनाती है, क्या वो इलास्टिक है? अगली बार कभी रोटियां बन रही हो, जैसी मम्मी आटा वगैरह बना के सब कुछ रेडी रखें, जाकर दो उंगली करो तो बोले तो दब जाएगी, फिर वो रिगेन करेगा अपनी वापस. तो जो इलास्टिक नेचर है वो क्या है? जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स लगती रहे तब तो मजबूरी है डिफॉर्म होना. जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटे, बॉडी अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करे. अगर वो कोशिश पूरी हो जाती है, यानी वो अपना शेप पूरा रिगेन कर लेती है, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक बॉडी. अगर वो थोड़ा बहुत रिगेन कर लेती है, उसे बोलते हैं इन इलास्टिक बॉडी. और हल्का सा भी रिगेन नहीं कर पाती, उसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी. ऐसा एग्जाम्पल है लाइक वाइन की बॉटल्स को भी देखिए, उसके ऊपर कॉक लगा होता है. कॉक इज अ मटीरियल विच इज प्योरली इन इलास्टिक इन नेचर, वेरी क्लोज 99% इट इज इन इलास्टिक. अगर हल्का सा भी फोर्स लगाया, टाटा बाय बाय, अब मैं इसको रिगेन नहीं कर पाऊंगा. इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक को समझने से पहले हमने बोला भाई कुछ बॉडीज तो ऐसी होंगी ना, बोलेंगे रिजिड है बेटा, हम नहीं कमर कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसी कोई फोर्स नहीं जो हमें डिफॉर्म कर पाए. फॉर एग्जाम्पल ये जो मटीरियल जिसका बना हुआ है प्लास, क्या ये बेंड हो सकता है? हो सकता है, मेरी हिम्मत नहीं है, हो सकता है. बट याद रखिए ये रिजिड नहीं है, ये लगता है रिजिड कि हमसे तुम्हें से कोई भी इसे बेंड नहीं कर पाएगा, पर कोई ताकतवर आदमी हो तो शायद उसको हल्का हल्का बेंड कर दे, है कि नहीं? है, हाइड्रोलिक प्रेस से करते हैं, हल्क उबला लो वो मोड़ देगा भाई साहब. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, इट इज अलॉय ऑफ आयरन, स्टील का अलॉय है बेसिकली. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये रिजिड नहीं है, बट बॉडीज रिजिड हो सकती है अगर वो बोले तुम मुझ पर फोर्स लगाओ और हम डिफॉर्म, इतना सा भी नहीं होंगे. कितना नहीं होंगे? इतना सा भी नहीं होंगे. तो उन्हें बोलते हैं रिजिड बॉडीज. डेफिनेशन आप लिख लीजिए, डू नॉट डिफॉर्म अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी फोर्सेस, ब्रैकेट में स्पेशली अंडर डिफॉर्मिंग फोर्सेस. अच्छा, डिफॉर्मिंग फोर्सेस कोई नई टाइप की फोर्सेस नहीं है मेरे बच्चे. डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स. ध्यान देते हैं, देखिए ये जो बैलून है यहां रखा है, मैं जो उठाऊं कैसा कोई शेप चेंज हुआ? मैं जो फिर से उठाऊं ये शेप चेंज नहीं हुआ. फोर्स में लगा रहा हूं, मैं उतनी फोर्स लगाऊं लेकिन इसे पकड़ लूं, फोर्स उतना ही है लेकिन शेप चेंज हो गया ना. तो डिफॉर्मिंग फोर्सेस जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो तो उन्हें कंस्टेंट मोशन की वजह से डिफॉर्मिंग फोर्सेस बनती है. अगर कोई बॉडी फ्री टू मूव है तो उस पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो डिफॉर्मिंग फोर्सेस नाउ विल ओनली बिहेव एज एक्सीलरेटिंग फोर्सेस, जो उसमें एक्सीलरेशन पैदा कर देंगे. तो यहां पर लिखते हैं स्टार स्टार स्टार, टू बी नोटेड दैट व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी, which is restricted to move, the force behaves as deforming force.
द फोर्स बिहेव एज डीफॉर्मिंग फोर्स, याद रह पाएगा? तो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन बना ली, अब हम लिख लेते हैं. डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस, डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज नॉट फ्री टू मूव. ठीक है, विच इज नॉट फ्री टू मूव, फुल स्टॉप. इसी में लिखते हैं आगे, विच इज नॉट फ्री टू मूव, फुल स्टॉप. इसमें आगे लिखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी आर कंपेल्ड टू चेंज देयर रिलेटिव पोजिशन, टू चेंज देयर रिलेटिव पोजिशन, आर कंपेल्ड टू चेंज देयर रिलेटिव पोजिशन. सर मार्कर तो नहीं हुआ, किसी का मार्कर है क्या? अरे तो हो गया. ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं. अगर आप ये देखिए, बैलून पर मैंने दो निशान बनाए, दिखाई दे रहे हैं आपको? इन दो निशान के बीच की दूरी अराउंड 1.5 सेंटीमीटर है, आया ना? अगर मैं इसे ऐसे मूव कर रहा हूं जब ये फ्री टू मूव है तो ये दूरी चेंज नहीं होगी. लेकिन अगर मैं इसको पकड़ लूं और अब खींचू तो ये दूरियां क्या बढ़ जाएंगी? दैट मीन्स दी बॉडी ना, देखो यहां से यहां थी अब यहां हो गई, तो क्या ये दूरियां हमने चेंज कराई? और ये इसलिए चेंज हो रही है कि ये बॉडी मूव, जैसे छोड़ू और लेके जाऊं तो वापस से दूरियां होती हो गई. डिफॉर्मिंग फोर्सेस कंपेल करती है किनको? मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल को, कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करे. और रिलेटिव होने का वर्ड है, आपस में जो पोजीशन है उनको चेंज करे. और इस चेंज की वजह से या तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है, या मैं इसको इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, सरफेस एरिया बढ़ सकता है. ये जो हवा मैंने अंदर डाली, इट इज ऑल्सो डिफॉर्मिंग फोर्स. इट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर. दैट एयर इज नाउ क्रिएटिंग अ प्रेशर विच इज एक्टिंग लाइक अ डिफॉर्मिंग फोर्स बिकॉज नाउ बॉडी हैज डिफॉर्म. पहले से अब अलग हो चुकी है, और जो बॉडी जिनके बीच में केवल और केवल कुछ एक मीटर का फासला था वो काफी ज्यादा हो चुका है. जैसा लगेगा हाँ, मतलब यहां कहीं था तो दूर हो चुका है, दिख रहा है? मिट गया, मतलब ये है, यहीं पर था, सॉरी ऊपर था. तो मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस मॉलिक्यूल्स आर कंपेल्ड कि वो अपनी पोजिशन को, रिलेटिव पोजिशन को चेंज करें. हाँ कि ना, आगे बढ़ते हैं, लिखिए. इलास्टोमर्स आर वेरी क्लोजली इलास्टिक इन नेचर, माय डियर. अभी जब आप स्टील को लेकर के वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको मसल पावर ज्यादा चाहिए. और हुक्स लॉ ये बोलता है कि कोई इलास्टिक बॉडी डिफाइन की जाती है कितने लोड तक वो अपना शेप रिगेन कर पा रही है. इसको मैं जब खींच रहा हूं ना, अगर हम अभी कस से खींचना चालू करें, टाटा हो जाए, स्टील नहीं होता. एंड दैट इज वाई स्टील, इतनी एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद जब आप वो फोर्स छोड़ते हैं तो स्टील अपना शेप रिगेन कर लेता है, ये नहीं कर पाएगा. एंड प्लीज नोट, इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. आप इस बैलून को लीजिए, ऐसे करते रहिए थोड़ी देर तक, ट्राई टू डू दिस एंड टेल मी व्हाट इज हैपनिंग. बैलून को लेकर जल्दी लिखना पड़ा बेटा, ताकत लगा बेटा, ताकत. अरे तू रहने दे, थक गई है, कुछ हो रहा है तो सर, तो हो ही रहा है, कुछ और हो रहा है. हाँ तुम्हें कुछ होगा, देखो क्या छोड़ तू कर. लेट अस अंडरस्टैंड अब योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक एनर्जी. थोड़ी देर तक करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है? क्या इलास्टिक बॉडी है, टूट गई ना? देखो उसके अलावा जो मैं, ये तो अच्छा हुआ कि इसने तोड़ दिया, मैं तो ये भी दिखा रहा था. अब वो एक बैलून जो बहुत इलास्टिक खेल रहे थे, अब वो दो बैलून बन चुका है, वो इलास्टिक नहीं है, अपना शेप रिगेन नहीं कर पा रहा है. बेस्ट तुमने बता दिया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाहर चला गया तू. लेकिन जब आप ये कर रहे थे, आपने क्या नोटिस किया था? आपके हाथ गर्म हो रहे थे,
तूने नोटिस नहीं किया, लेकिन इसने थोड़ा हल्का सा, मैं तो बोल रही हूँ कि मेरे को, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं वो सोच रहा हूँ दिमाग से, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप गर्म हो रहे हैं। अगली बार कभी ऐसे करिए, बहुत सारे बैलून हैं, आप फील करेंगे कि आपके हाथ गर्म हो रहे बिकॉज यू आर वॉकिंग। इलास्टिक एनर्जी बन रही है, हट रही है, बन रही है, हट रही है, तो वो जा कर रही है तेरी बॉडी में और वो तेरे को गर्मी दिखा रही है। इलास्टिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेंथ। डेरिवेशन के साथ साथ ये सब बता दो उन्होंने। आगे बात करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आ गई, रिजिड बॉडी समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। लिखिए इलास्टिसिटी, अच्छा एक मिनट, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स में लिखा नहीं मैंने। दिस चेंज इन रिलेटिव पोजिशन मे रिजल्ट इन this change in relative position may result in change in तीन टाइप के चेंज आपको मिलेंगे, कौन कौन से? चेंज इन, पहला लेंथ, और जैसे ही लेंथ चेंज होगी एरिया विल चेंज, जैसे एरिया विल चेंज वॉल्यूम में चेंज। इन तीन टाइप से डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेंथ में चेंज आना, एरिया में चेंज आना, या वॉल्यूम में चेंज आना। लेंथ में जब चेंज आता है तो हम पढ़ते हैं यंग्स मॉडुलस, क्या पढ़ते हैं? जब एरिया में चेंज आता है तो हम कुछ नहीं पढ़ते बिकॉज यंग्स मॉडुलस आ जाता है। लेकिन जब हम एरिया में चेंज आता है तो हम कुछ ना पढ़ पाने की वजह से हम यंग्स मॉडुलस का ही डेरिवेशन करते हैं। लेकिन जब वॉल्यूम में चेंज आता है, वॉल्यूम, तो हम पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस, क्या पढ़ते हैं? बल्क मॉडुलस। हम इस सबके बारे में बात अभी करेंगे। एरिया का चेंज इज बेसिकली टू लेंथ में चेंज, लेंथ में चेंज, एरिया का चेंज का मतलब क्या है? लेंथ और लेंथ दो बार चेंज हो गए, तो यंग्स मॉडुलस का स्क्वायर के टर्म्स में आता है, हम देखेंगे वो यंग्स मॉडुलस क्या है, वो भी समझेंगे। तो देखिए इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पहला क्वेश्चन, डिफाइन इलास्टिसिटी। मैं देखो एक चैप्टर जब पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको क्या करूंगा, बताते चलूंगा कि इस पर क्या क्या आ सकता है। तो पहला प्रश्न आपका है, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it regains its original length, comma, volume and shape after the deforming forces are removed. Next point. Types of materials. Next point is types of materials. एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो बॉडी है जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस के हटाने के बाद अपना लेंथ, वॉल्यूम और शेप तीनों ही कंप्लीटली रिगेन कर लेता है, पार्शियली रिगेन्स। ऊपर वाली चीजें फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देता हूं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जैसा कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, नो, इनमें से किसी का भी एग्जाम्पल पहले का और लास्ट का एग्जाम्पल नहीं है, केवल बीच वाले एग्जाम्पल है सारी बॉडीज में।
रबर बैंड इज नॉट इलास्टिक बॉडी बच्चे, थोड़ा जैसे तुम इसे खींचते हो ना उसमें डिफॉर्मेशन आ चुका होता है, हल्का सा आता जरूर है। मैं एग्जांपल सोचता हूं अभी, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल कॉर्क है, क्या है, कॉर्क। इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, इन इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल आप ले लीजिए प्लास्टिक ले लीजिए, आप रबड़ बैंड ले लीजिए, है बेटा, हाँ बता रहा हूं मैं, लेट मी ने, अच्छा एक काम करते हैं अभी कोई एग्जांपल नहीं लिखते, क्योंकि हर बॉडी डिफॉर्म होती है, कई बार वो डिफॉर्मेशन डिपेंड करता है, हर बार वो डिफॉर्मेशन डिपेंड करता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई कितनी है, तो एग्जांपल उसका होना चाहिए ना उसके बाद। तो अब लिखिए इलास्टिसिटी लिख लिया आपने, अब लिखिए प्लास्टिसिटी, इसमें है नहीं है प्लास्टिसिटी, बेटा क्योंकि सच में कॉर्क ना इवन दी माइन्यूट फोर्स लगाने पर जो उसमें डिफॉर्मेशन आता है वो रिजेन नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एंड कॉर्क इज अ वेरी क्लोज बॉडी टू एयर परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी। बात करते हैं बेटा, स्पंज एक बॉडी नहीं है बेटा, इट इज अ एमल्गेशन ऑफ टू बॉडीज, एयर एंड सॉलिड, तो आई शुड नॉट डिस्कस अबाउट स्पंज राइट नाउ। बेटा समझो, स्पंज जो होता है, जब उसको जो ऐसे जो पानी वाला होता है, जो स्क्रॉच बाइट जो पीछे लगा होता है येलो वाला, अभी यहां भी रखा हुआ यार, सब कुछ है, मैं ले गया, ये भी कुछ वैसे ही है। अब ये लोग ना बोलते हैं ये देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बार बार रेंज ग्रेडियंट कर ले रहा है, बट दिस इज नॉट अ सॉलिड बॉडी माय डियर, इट इज नॉट अ सिंगल बॉडी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड गैस। तो ऐसी बॉडीज को हम इस चैप्टर की कैटेगरी में रख नहीं सकते, हमारी औकात के बाहर है समझ पाना कि ये बिहेव कैसे करते हैं, इसके फाड़ दिया तब हो जाएगा। तो मैंने कहा ना हर बॉडी की एक लिमिट है जब तक वो इलास्टिक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, पहले लिखो प्लास्टिसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी अगेन डिफाइन कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिमेनिंग डिफॉर्म्ड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिमेनिंग डिफॉर्म्ड इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ, it is the property of remaining deformed even after removal of deforming force, even after removal of deforming force, definition important hai aur ye aapke exam mein aa sakti hai, aage badhe, exactly bol sakte exam bol sakte, इवन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को प्लास्टिक बॉडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी का मतलब है तुम मुझ पर फोर्स लगाओ, जो तुमने चेंज किया मैं वही रहूंगा, मैं चेंज एक बार हो गया, क्ले इज अ गुड एग्जांपल ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, क्ले जो होता है आप उसे जो शेप दे दोगे वो उसे रिगेन नहीं करता, तो वो परफेक्टली इलास्टिक के भी काफी क्लोज है, क्ले भी, क्ले बताया ना बच्चे लोग खेलते हैं, वो नहीं मेरे पास, आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए, बहुत मुश्किल होगा, ये लिखाऊंगा ज्यादा मैं, सॉरी। नेक्स्ट, लेट अस क्वेश्चन योर ओन सेल्फ, पहली बार जब भी मैं पूछता हूं मैं आंसर दे चुका हूं, विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, ऐसा लगता है कि रबर है लेकिन पहले स्टील बोले सबके, तो यस इट इज स्टील, रिमेंबर दिस, आई विल से स्टील, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाई, ऐसा तो दिखता नहीं ना सर कि स्टील इज इलास्टिक, मैं स्टील की प्लेट को खींच लूं, लेट से खींच पाऊं, अगर मैं स्टील की प्लेट लेके खींच पाऊंगा तो यस इट विल रीगेन इट्स शेप आफ्टर फोर्स रिमूव की जाएगी, बट बच्चे को एक्सपेरिमेंट यहां पर कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसीलिए वो अच्छे स्कूल को मैं बोलता हूं, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वो एक्सपेरिमेंट आप करोगे स्टील पर, यूटीएम पर जब आप एक लिमिट तक जाते हो, पता है कितनी लिमिट है वो, 2 × 10⁵, यानी 200,000 N/mm², 1 mm स्क्वायर का रेडियस ले लीजिए और उसे खींचिए, 200,000 N तक की फोर्स लगाने के बावजूद अगर वो फोर्स हटा दी जाएगी तो वो बॉडी अपने आप जादुई तरीके से अपने आप को रिगेन करेगी, एंड इट इज अ ब्यूटिफुल साइट, मजा आता देख करके कि तुम्हें वो एक स्टील वायर अपने आप तो दिखेगा कि हाँ वो वापस से रिगेन कर रहा है शेप, एंड दैट टू अ लिमिट ऑफ सच अ लार्ज वैल्यू।
As soon as you go beyond that limit, it will not be able to gain its total value, but it still regains its value. वो हम पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में. तो हाँ, ये स्टील है और ये वाई पढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है. बट उससे पहले एक और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. लिखिए इलास्टिक लिमिट, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आने वाले डेरिवेशन. इलास्टिक लिमिट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. इलास्टिक लिमिट को यील्ड लिमिट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? यील्ड लिमिट. यील्ड, वाई आई ई एल डी, यील्ड. यील्डिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रोड्यूस वाला चीज हो गई. ये तो अंग्रेजी वाला यील्डिंग हो गया. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यील्डिंग का मतलब है बॉडी की बैंड बच चुकी है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है. मतलब आपने जब खींचा, छोड़ा, अगर वो वापस रिगेन कर ले रहा है, इसका मतलब जीरो यील्डिंग. लेकिन आपने खींचा और खींचने के बाद बोले बस अब मैं खींच गया, अब वापस रिगेन नहीं हो पाऊंगा, इसका मतलब है लेंथ बढ़ गई है. तो जो तुम बोलो ना प्रोड्यूस, तो वो लेंथ प्रोड्यूस हो गई है, इसीलिए यील्डिंग आ गई. यील्डिंग का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन हैज हैपेंड. तो हर बॉडी इलास्टिक है, हर बॉडी टू अ लिमिट विच इज इलास्टिक लिमिट. आप जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाते हो, अगर वो इलास्टिक लिमिट से नीचे है, हर बॉडी अपना शेप रिगेन करेगी. अगर वो फोर्सेस इलास्टिक लिमिट के ऊपर हो जाएंगी, टाटा बाय बाय, आई एम यूजलेस नाउ, आई एम यूजलेस. किसी भी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट होने पर हम समझ जाते हैं कि वो फेल हो चुका है. क्या हो चुका है? एंड बेस्ट पार्ट है, स्टील शोज यील्डिंग. इकलौता मटेरियल जो बोलता है मैं खराब होने वाला हूं, उतर जाओ, टाटा बाय बाय. यील्डिंग वो सिनेरियो है जहां मटेरियल फेल होने से पहले अलार्म देता है कि भाई अब टूटने वाला हूं, उतर जाओ. जब उसे खींचोगे वायर को तो पतला होगा, जो पतला होगा तुम्हें दिखाई देगा, उसे बोलते हैं नेकिंग. अरे यार ये तो पतला हो रहा है, अब उस पर बैठने का कोई फायदा, उस पर लोड लगाने का कोई फायदा, अब मैं टूट जाऊं. ऐसा केवल स्टील में ऑब्जर्व होता है ह्यूमंस को, आराम से तुरंत दिख जाएगा. चौक, वुड, दे विल नॉट टेल कि मैं कब टूटने वाला हूं, वो कहां से टूट जाएंगे. आप चौक लीजिए, खींचिए तो लंबी होती है, टूट जाती है. कार्बन स्टील एक और मटेरियल है, वो भी ऐसे होता है. वो स्टील अलग है, वो अलग है. कार्बन स्टील भी यील्ड होता है. कास्ट आयरन, नाम क्या है इसका? कास्ट आयरन. कास्ट आयरन डज नॉट सी शो एनी यील्डिंग. एक मटेरियल है. क्या है? एक मटेरियल. देख लो, व्हाट इज स्टील? मटेरियल है. क्या स्टील? एलॉय है. किसका? आयरन एंड कार्बन का एलॉय है. मेटल और नॉन मेटल, दो खतरनाक चीजों का एक अलॉय जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, स्टील. मैं बार बार स्टील का एग्जांपल क्यों देता हूं? 95% ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय ह्यूमंस इज स्टील, प्योरली स्टील. बाकी 5% में कॉपर, टाइटेनियम, जिंक वगैरह 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 सब आते हैं. 95% मटेरियल क्या होता है? किसी भी फॉर्म का स्टील. स्टील के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, स्टील 304, 316, 316L वगैरह वगैरह वगैरह. ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं स्टील के, फैमिलीज हैं, जहां पर एक सब स्टैंडर्ड है और एक रॉयल है. जैसे कि 316L एक ऐसा स्टील है विच इज वेरी कॉस्टली, बट इट इज रॉयल. कहता है मेरे पर कोई करोजन का फर्क पड़ता नहीं है, ना मेरे पर कोई रस्टिंग का फर्क पड़ता है. 304 बोलता है मेरे से पड़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ा दो, टाटा वाइवा कर दूंगा मैं, रस्टिंग हो जाएगी मेरी. 316 बोलता है सी वाटर लगा दो, तब होगा रस्ट, उसके पहले मैं किसी भी टेम्परेचर पर रस्ट, मैं रस्ट होता ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर प्रॉपर्टीज बढ़ाई गई हैं, निकल डाल के, क्रोमियम डाल के. इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर. वो पूरा मेटलर्जी हो जाएगा, जो कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मैं यहां पढ़ाने को मतलब नहीं बनता. यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ू. तो इलास्टिक लिमिट क्या है? लिखा आपने, इलास्टिक लिमिट डिफाइन कीजिए. इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. कनक ने आंसर दिया रबर, फटकेंगे तुमको. इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ द फोर्स
is removed, if the force is removed, if the force is removed, comma, the body regains its original form completely. The body regains its original form completely. ठीक है भाई साहब, फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन डेफिनेशन थी, एक और फैक्ट इसमें लिख लेते हैं. इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अबव इलास्टिक लिमिट, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अबव द इलास्टिक लिमिट, the body loses, the body loses its property of elasticity, the body loses its property of elasticity and deforms permanently, and deforms permanently. चले आगे बढ़े, हो गया पहला अध्याय खत्म, मतलब इलास्टिसिटी के बारे में पूरी जानकारी हो गई हमें. लेट्स गो टू द नेक्स्ट अध्याय, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, और उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ मैटर अंडर अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. कोई भी मैटर जब एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में रखा जाता है तो उसमें ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं. पहला, डिफॉर्म हो सकता है. दूसरा, बॉन्ड बिटवीन एटम्स विल बी कंप्रेस्ड और इलांगेटेड, या तो फोर्स थोड़ा हमेशा खींचोगे. कई बार तुम फोर्स को किसी बॉडी को कंप्रेस भी कर सकते हो, और जब कंप्रेस करोगे तो उनकी उसका साइज कम होगा, लेकिन वो कम तब तक रहेगा अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लग रही है, तो वो कम तब तक रहेगा जब तक फोर्स लगाई गई उस पर लगती है. छोड़ दोगे वापस से रिगेन कर लेगा, जैसे कि मैंने अभी क्लासिकली आपको ये दिखाया. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी गुड बॉडी अंडर कंप्रेशन, कंप्रेशन में ये अपना शेप रिगेन कर ले रही है, हाँ ना, लेकिन टेंशन में इट विल नॉट. अगर मैं खींच दूंगा तो टियर अप हो जाएगा. तो मटीरियल्स डू नॉट बिहेव सिमिलरली इन कंप्रेशन और इन टेंशन. हर मटीरियल का बिहेवियर कंप्रेशन में अलग होता है और टेंशन में अलग. कंप्रेशन मतलब जब दबा रहे हो तो अलग होता है और खींच रहे हो तो अलग. याद रहता है, एकदम हर बॉडी की एक इलास्टिक लिमिट है. इलास्टिक लिमिट के बाद वो लिमिट केवल इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं खींचना, उसका मतलब कंप्रेस करना भी है. लेकिन अगर आपने कंप्रेस किया टू एन एक्सटेंट विच इज मोर देन इलास्टिक फोर्स, डिफॉर्म, इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. इट मे कम बैक टू अ लिटिल बिट इनिशियल शेप. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डो वाला एग्जाम्पल में वो पूरा रिगेन नहीं कर जाएगा कि आपने ऐसे मारा और भाई साहब हटाया, उसके बाद बोले उंगलियों के निशान गायब हो चुके हैं. ऐसा नहीं होगा. उंगलियों के निशान अगर गायब हो जाते तब बोलते परफेक्टली इलास्टिक है. आयन या तो शियर, तीन हो हम बात करेंगे. तो बेटा जैसे ही बॉडी पर फोर्स लगती है, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके एटम्स या तो कंप्रेस होंगे या तो इलांगेट होंगे. जैसे ही ये होता है, मॉलिक्यूल बोलते हैं ये क्या चल रहा है भाई, अभी तो हम अच्छा खासा अगल बगल बैठे थे, ये दूर दूर करने वाला कौन है? डिफॉर्मिंग फोर्स. हम अपनी एकता का पूरा इस्तेमाल करेंगे और हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और तुरंत हमारे अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी, और ये यहां होते हुए दिखाई देती है. कहां गया? जब आप इसको कंप्रेस करते हो, आपने कंप्रेस किया, ये बोलता है क्या चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कंप्रेस कर रहे हैं दो. लेकिन क्या जैसे मैं छोड़ता हूं, क्या अंदर की फोर्स इसको बढ़ा कर रही है? क्या वो इंटरनल फोर्स है कि नहीं है? दैट इज नॉट एक्सटर्नल. ये है, यहां देख ले बेटा, ये एक्सटर्नल है. जो रिगेन शेप हो रहा है वो कौन कर रहा है? इंटरनल. तो इसलिए मैंने क्या बोला, रिजल्ट्स इन रीस्टोरिंग फोर्स इनसाइड द मटीरियल. कौन सी फोर्स है? इनसाइड द मटीरियल एक रीस्टोरिंग फोर्स है. रीस्टोरिंग का अंग्रेजी का मतलब जो है वही इससे मतलब है कि वो अपनी बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही. बोलिए,
मैंने क्या बोला, अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर तुमने कंप्रेस किया है तो जब तुम फोर्स हटाओगे तो वो अपना पूरा शेप उतना ही रिगेन करे। हाँ नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अभी फिर से बोलो, गुड क्वेश्चन। एवरी बॉडी बिहेव डिफरेंट मैनर में अंडर कंप्रेशन एंड टेंशन। तो तुम ये नहीं बोलते कि अगर मैंने एक्स फोर्स लगाई तो अगर वो एल चेंज आ रहा था तो वो फोर्स, अगर मैंने टेंशन लगाई तो भी एल चेंज आएगा और कंप्रेशन लगाई तो भी एल चेंज आएगा। बट एट क्लास 11th लेवल यस इट इज ट्रू फॉर वन स्पेसिफिक मटीरियल स्टील। सीधा मैं कंप्रेशन में और टेंशन में बराबर बराबर बिहेव करता हूं एंड ऐसा सच नहीं है। एक समय के बाद स्टील बोलता है कंप्रेशन में आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग, टेंशन में आई एम वेरी स्ट्रांग। कास्ट आयरन बोलता है कंप्रेस तुम चाहे जितना मर्जी उतना कर लो यार, कोई टेंशन नहीं, टेंशन दिए टूट जाऊंगा मैं, आई एम ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है, खड़ा। कास्ट आयरन इज ब्रिटल इन टेंशन एंड इन कंप्रेशन इज द स्ट्रांगेस्ट मटीरियल अवेलेबल विद ह्यूमंस। कभी आपने चक्की वगैरह पे गए हो, आटा चक्की पे गए हो, आटा चक्की पर जो फ्लाई व्हील लगी होती है जहां वो इंजन लगा होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है, कभी नोटिस किया है? वो प्लेटफॉर्म जिस मटेरियल का बना होता है उस मटेरियल का नाम है कास्ट आयरन, बिकॉज इट सेज अबे तुम 3 mm की प्लेट ले लो, मेरे पास 3 mm की प्लेट, मैं 3 mm की प्लेट भी इतनी स्ट्रांग है कि तुम उसके ऊपर पूरा का पूरा कार खड़ी कर दो, वो डिफॉर्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आई होप आई डोंट थिंक तुमने ऐसे किसी ने देखा होगा, बड़ी बड़ी क्रेन्स देखी है कभी, कभी पास से देखी है बड़ी क्रेन्स, किसने देखी और कहां देखी, कहां देखी बड़ी क्रेन? हाँ पीछे देखी होगी, वेरी गुड। तुम अंदर गए थे वहां, अच्छा बड़ी क्रेन लगी तुमने, वो वाली देखी है ओवरहैंग क्रेन्स, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जमीन पे चलती है वाली क्रेन देखी है। कभी माइनिंग वगैरह में चलती है, जब कोई कहीं पर रिमोट लोकेशन पे काम होता है तो वहां चलती है, और वो क्रेन उठा रही होती भयंकर सामान। तो भैया वो सामान उठाते समय उनको बोला था, भैया देखो जमीन पर नहीं उठाऊंगी मैं, तुम एक काम करो वहां पर एक कास्ट आयरन की प्लेट लाओ 10 mm की, उसको बिछाओ, लंबी चौड़ी प्लेट होती है पूरे एरिया को कवर करते हो, और पहले क्रेन उस पर खड़ी होती है, उसके बाद जहां मर्जी वहां करा लो, जो मर्जी वो करा लो, अब मैं धसूंगी नहीं, क्योंकि पहली बात तो मेरा एरिया बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से प्रेशर बहुत घट गया, जो कहानी तुमने सुनी होगी पेंसिल हील वाला और पूरी बच्चों वाली कहानी सुनी होगी प्रेशर वाली, एंड उसके अलावा कार्बन स्टील ऑलरेडी मैं डिफॉर्म होती नहीं, बिना डिफॉर्म हुए अंदर जा नहीं पाएगा ये। तो हर बड़े स्ट्रक्चर को मूव कराते समय उसे किस पर रखा जाता है, कास्ट आयरन पे। मैं कार्बन स्टील बोलता हूं गलती से, बिकॉज सीसी होता है कास्ट आयरन, बिकॉज कास्ट आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल इन कंप्रेशन, द वीकेस्ट मटीरियल, नॉट शुड आई शुड नॉट से द वीकेस्ट मटीरियल बिकॉज बहुत सारे और वीक हैं इससे, बट इट इज वीक मटीरियल इन टेंशन। आगे बढ़ जाओ सर, हमारी बॉडी पर भी डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्स लगती है। हाँ योगा करने चले जाओ अंकित भैया के पास, वो डिफॉर्म करेंगे पूरी बॉडी को, फिर आप रिगेन कर लोगे अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर हुआ, वरना हड्डी वड्डी टूट सकती है योगा में। एक बार मेरी ये वाली हड्डी टूट गई थी, टूट मतलब खिसक गई थी भाई साहब, मैं वो कौन सा रोलर चलाना होता है, मैं क्या मैं कर रहा हूँ जितना आता है मेरे, हाँ रोलर वो नहीं बैठ के वैसे करना होता है, मैं जितना कर पाऊ उतना करने, तो वो पीछे से मैडम आई धक्का दे दिया उन्होंने, उसके बाद मैं 3 दिन ऑफिस नहीं गया, बिकॉज वो आई हैड अ डिसलोकेशन इन, लेकिन दैट इज वो क्योंकि वो अंकित भैया नहीं कर, अंकित भैया जबरदस्त है, वो उन्हें बंदे को पता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स कितनी हो सकती है, बोन्स के बारे में पढ़ा होगा, योगा में पढ़ाया जाता है, इसलिए वो भैया कुछ ऊंची कराते रहते हैं, ऐसे खड़ा सब सर पे पैर रख लो। मेरा क्वेश्चन ये था करना क्यों, ये सर पे पैर रखना क्यों आखिर है, क्यों करना, क्या करना है फ्लेक्सिबल उनके, मैं कहां जाता हूं जाता था। तो अभी मैं समझो ध्यान से, एंड टू आंसर द क्वेरी यस आवर बॉडी इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, ये कर ले रहे हो इतना कर ले रहे हो भाई साहब, यहाँ ये उंगली ऐसे कर लो कितने कर पा रहे हो, कोई नहीं कर पाया, ये अंगूठा यहां से यहां छुआ सकते हैं, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है ना होगा, ठीक है अगर हो रहा है कुछ लोग आ जाए तो आई से यस इट इज फ्लेक्सिबल और इट इज इलास्टिक, वापस से टूटा नहीं, सही है, अवर बोन्स आर गुड इलास्टिक मटीरियल, ठीक है। आगे बढ़े, आइए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो टाइप की हो सकती है, एक डिफॉर्मिंग जो एक्सटर्नल होती है, बड़ा
टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो टाइप की हो सकती है, एक डिफॉर्मिंग जो एक्सटर्नल होती है और एक रिस्टोरिंग जो इंटरनल होती है. इंटरनल फोर्सेस नाउ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डू रिजल्ट इन टू इलास्टिसिटी. भाई उनको वापस रिगेन कौन कराएगा? रिस्टोरिंग फोर्सेस होते ही है. जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है, बॉडी बोलती है डिफॉर्म हो जाऊंगी लौट के आ जाऊंगी. जब डिफॉर्मिंग फोर्स बोलती है मैं जाता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स की औकात है ना. डिफॉर्मिंग फोर्स की कोई औकात नहीं, हल्क को बोलो पेंसिल खींच दो, ये वाला पेन खींच देगा ना, वो मैं नहीं खींच रहा हूं, लेकिन जो मैं खींच रहा हूं उसकी लिमिट इलास्टिक लिमिट से कम है, इसलिए यस इसकी लेंथ बढ़ रही है, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन बढ़ रही है, हल्की फुल्की 0.00001 mm बढ़ रही है, लेकिन जैसे फोर्स लगा रहा हूं वो वापस से रिगेन हो जा रही है. एंड दैट इज वाई इलास्टिक लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी मशीन का एवरी कॉम्पोनेंट इज डिफाइंड एटलीस्ट 50% बिलो द इलास्टिक लिमिट. मतलब अगर इसकी इलास्टिक लिमिट 10 न्यूटन है तो डिजाइन में कितनी लेते हैं? 5. मतलब बस 5 न्यूटन, भैया बाकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, कुछ पगले होंगे वो 10-5 के ऊपर लगा देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो 10 के ऊपर तो जानी ही नहीं चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, जब आप एक नॉर्मल मशीन बना रहे हो जिससे ह्यूमन लाइफ को कोई खतरा नहीं है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ओनली 1.5. दैट मींस अगर 1.5 इज 3/2, यानी अगर 10 न्यूटन का वो लोड झेल सकता है तो मैं उसे 1.5 से डिवाइड कर दूंगा, उतने पर से डिजाइन करूंगा, यानी 10 को डिवाइड करूंगा 3/2 से, 20/3 से 6.66 न्यूटन तक मैं उसे डिफाइन कर सकता हूं. तो डिजाइन ये होगा. अगर वो मटेरियल ह्यूमन लाइफ को सेफ करता है, सेफ गार्ड करता है बाय एनी सेंस, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम शुड बी 3, एटलीस्ट 3. बट इफ दी इन डेंजर में करता है तो, लेकिन अगर वो सेफ्टी इक्विपमेंट है यानी वो ह्यूमन लाइफ कॉम्प्रोमाइज रहेगी केवल उस मटेरियल के फेल होने पर, तो डिजाइन होता है एटलीस्ट 5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर. यानी कि अगर मुझे 100 न्यूटन मेरे पास एक बॉडी है तो मैं उसे डिजाइन किस पे करूंगा? डिवाइड बाय 5, यानी उसकी स्ट्रेंथ में 100 न्यूटन लूंगा या 20 न्यूटन लूंगा? केवल 20 न्यूटन अज्यूम करते हुए मैं उसे डिजाइन करूंगा, थिकनेस बड़ी करूंगा, मोटी करूंगा. अभी रिसेंटली एक कांड हुआ है, बिगेस्ट इंजीनियरिंग फेलियर एंड दैट टू ओनली बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस. किसको पता है वो कांड क्या है? ब्रिज नहीं, टाइटेनिक देखने 4-5 लोग गए थे, पैसे वाले लोग, मतलब ऐसे ही बहुत पैसे, मतलब 2 करोड़ रुपए की एक टिकट थी उसमें. जिस कंपनी ने वो डिजाइन किया दैट फेल्ड अंडर एक्सटर्नल प्रेशर. इस फिनोमेना को बोलते हैं इम्प्लोजन. क्या बोलते हैं? ना सुना है कभी नाम इम्प्लोजन? कैसे होता है? अच्छा वीडियो वीडियो आ चुके हैं इसके बहुत सारे. इम्प्लोजन क्या है? ये एक फिनोमेना है जहां बॉडी एक्सटर्नल प्रेशर पर बकल कर जाती है, मतलब बकल मतलब टूट जाती है, और ऐसा पानी के नीचे हो जाता है. बिकॉज वेन यू गो बियॉन्ड सच ए लिमिट जहां पर प्रेशर इज आई डोंट से 50,000 या 10,000 या 1,00,000 पास्कल पर पहुंच जाता है, अगर अंदर वाली गैस का प्रेशर ठीक नहीं रहा तो ब्लूम बाहर की गैस. इफ आई से यू हैव अ टेट्रा पैक, आई डोंट हैव राइट नाउ, टेट्रा पैक होता फ्रूटी वाला, मैं आपको बोलता हूं फूक मार के फोड़ दो, अगर आप फोड़ देते हो ना आपको अपनी गाड़ी आपके नाम कर दूंगा, कार आपके नाम किया मैं आपके नाम कर दूंगा. लेकिन आपको करना क्या है? टेट्रा पैक में लेके आऊंगा, आप स्ट्रॉ पहले पी लीजिए, उसे फूक मार के फोड़ दीजिए, गाड़ी जाओ मेरी सेकंड फ्लोर मेरा नाम है वो तुम्हारे तुम्हें दे दूंगी. ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, एटलीस्ट नॉट पॉसिबल टू एनी ऑफ यू जो यहां बैठे हुए हैं. कुछ सारे ह्यूमन सुपर ह्यूमन होते हैं उनको वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है इनमें से कोई नहीं है. तो लेकिन अगर मैं एक छोटे बच्चे को करूं, नहीं फोड़ना नहीं है, डिफॉर्म करना है, दबाना नहीं है, लेकिन फूक मार के डिफॉर्म करना है. अगर मैं उसके अंदर से एयर निकाल लूं, फड़ाक से डिफॉर्म होता है ही नहीं होता है, क्योंकि राइट नाउ यू आर अंडर अ प्रेशर ऑफ 1.01 × 10^5 पास्कल, 1,00,000 पास्कल के प्रेशर में तुम अभी हो भाई साहब एयर पे, ये एयर का प्रेशर है, तुम्हें फील नहीं होता बिकॉज यहां भी 1,00,000 यहां भी 1,00,000, तो 1,00,000 1,00,000 से बैलेंस कर रखा है, यू डोंट फील दैट देयरफॉर.
लेकिन जब पानी में जाते हैं माय डियर, तो वो एक लाख का बढ़ वो तो लग ही रहा है पानी के ऊपर, प्लस और लग रहा है, जितना लगता जाएगा जितना नीचे जाओगे। इट इज सेड कि मरीना ट्रेंच एक जगह है जहां पर, जहां डेप्थ मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर है अराउंड ना, 12 किलोमीटर, वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां पर ह्यूमन लाइफ सर्वाइव होती जरूर है, लेकिन वो फॉर्मेशन अलग है एकदम। जैसे कि वहां पर बहुत ही खतरनाक खतरनाक मछलियां हैं, मतलब लोग कहते हैं कि वो मछलियां ऊपर ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, ये लेकिन नीचे लेके आया ऊपर लेके आया, देखते हैं रखते हैं, इट विल डाई बिकॉज अंदर का प्रेशर इतना आता है कि बाहर के प्रेशर को बैलेंस कर रहे हैं, तो बाहर लाए फूल जाएगी बड़ा, बिकॉज अंदर का प्रेशर तो रेगुलेट नहीं हो पाएगा ना। ये सुन, कभी सुने तुम यहां से पहाड़ों पे आते हो, तुम्हारे नाक नाक से ब्लीडिंग हो जाती है। अगर मैं आपको स्पेस शूट में बंद कर दूं और तुझे और तुम्हें बाहर फेंक दूं ब्रह्मांड में, और आप बोलू पिन लो पिन चुभा दो, स्पेस शूट में अगर एक छोटी सी पिन चुभा दोगे, तुम्हारी हर नस जो अंदर है वो फट जाएगी, फड़ाक 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 ऐसी आवाजें आएंगी यहाँ पे, वो आवाज नहीं सुनाई देगी बिकॉज वैक्यूम है, बट तुम्हें मजा आएगा बहुत, यहाँ पे नस फट गई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बिकॉज यू आर एट अ प्रेशर ऑफ 120 mmHg, बोलते ना 120 है ब्लड प्रेशर, ठीक है वहां जीरो है बड़ा, तो 120 से जीरो पे जाएगी तो ये फ्लूड में पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस जो है, व्हाट इज स्ट्रेस? अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए जो कि रिजल्टिंग कर रही हो डिफॉर्मेशन में, और जैसे ही डिफॉर्मेशन चालू होता है मॉलिक्यूल्स की दूरियां बढ़ती, मॉलिक्यूल बोलते नहीं 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 दूर ही नहीं बढ़ानी है भाई साहब, अपने को रिस्टोरिंग फोर्स लगाना चालू करना है, तो जैसे ही आप ऐसी एक्सटर्नल फोर्स लगाओ जो डिफॉर्म कर रही हो, तो बॉडी का एक मैकेनिज्म चालू होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, और बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। फोर्स, व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस का फॉर्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। ध्यान दीजिए, स्ट्रेस को डिनोट किया गया है सिग्मा से, किसे किया गया है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंडर इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहती है बेटा? बराबर। अंडर इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मिंग फोर्सेस एंड रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या रहती है? बराबर। छाप लियो। इस पेन को मैं पकड़ लो, ठीक है? ये बोल रही है बेटा, मैंने कहा ना डिफॉर्म होता है हर बॉट, ये क्या ये पेन इस समय डिफॉर्म हो रहा है? मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, यहां जब फोर्स लगा रहा हूं तो इसमें मैं ऐसे नहीं पकड़, बहुत आराम से ऐसे ऐसे पकड़े तब भी डिफॉर्म हो रहा है। बिकॉज इफ आई हैव अप्लाइड फोर्स इट विल ऑलवेज बी डिफॉर्मिंग फोर्स इफ आई एम ट्राइंग इट टू होल्ड इट लाइक ए वेट, मैं उसको मूव नहीं कर रहा हूं, तो अगर मैं मूव कर रहा हूं तब भी तो पकड़ रहा हूं ना, तब भी हल्का डिफॉर्मिंग फोर्स है, बट दैट इज अ नेग्लिजिबल डिफॉर्मिंग। नहीं, गलत स्टेटमेंट, यहां पे गलत स्टेटमेंट है, हमें नहीं दिख रहा है इसका मतलब होता है कि वो ज्यादा रिजिड हो, है ना? तो बेटा ये जो इलास्टिक बिहेवियर है वो डिपेंड करता है स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशंस पे, अभी आएगा। आपको अगर आप बहुत फोर्स लगा रहे और डिफॉर्म ही नहीं हो रहा तो उसे बोलते हैं रिजिड। आप बहुत फोर्स लगा रहे हैं वो पूरा डिफॉर्म हो रहा है लेकिन पूरा रिफॉर्म हो रहा है तो सोचते हैं प्योरली इलास्टिक। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं वो पूरा डिफॉर्म हो रहा है लेकिन रिफॉर्म पूरा नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं प्लास्टिक या इनइलास्टिक। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं वो पूरा डिफॉर्म होता है और पूरा डिफॉर्म रहता है तो उसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। सारे नाम तो बेटा हमें, लेकिन हमें हमारी पढ़ाई किस लिमिट तक है? यस, हमारी पढ़ाई केवल इलास्टिक लिमिट के अंदर है, उसके बाहर की बात तुम मत करो, मैकेनिकल इंजीनियर्स को करने दो जो वो बात करते हैं उसके बारे में, बिकॉज वी विल नॉट बी डीलिंग विद दैट, इट इज क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स थिंग। ये एक पन्ने का चैप्टर नहीं है, ये भयंकर चैप्टर है, भयंकर, और इसको पढ़ने के लिए किताबें अगर आपको देखनी नीचे रखी है, इतनी मोटी मोटी किताबें, उसका चैप्टर, उसकी किताब का नाम ही होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बाय तिमोशेंको, राइटर है, जबरदस्त राइटर। तो क्या बोल रहा हूं,
जितना पढ़ा रहा हूं उतना बहुत है, उससे ज्यादा आंखें बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएं, ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार पांच बनाए गए हैं आपके सामने, पांच हैं पीछे हैं, पांच ध्यान दीजिए, मैंने जो बनाए हैं उनको उनमें कुछ नाम भी लिखे हैं, और नोटिस करो यहां पर बॉडी को क्या कर रहे हैं, तो स्ट्रेस नाम है कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्या नाम है इसका, यहां पर क्या कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, टेंसाइल, क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, डायग्राम बना लो बेटा प्लीज, इसका नाम क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसका नाम क्या है, प्योर स्ट्रेस, सबसे खतरनाक स्ट्रेस, जितने डर लगता है जिससे मेटल को, वो कौन सा स्ट्रेस है, वो है शियर स्ट्रेस। ध्यान दीजिए, आपके क्लास एग्जाम तक केवल इन तीनों का जिक्र है, इसके आगे का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हमारा मास्टर मैकेनिकल इंजीनियर तुम्हें पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड टॉर्जनल, क्या बोलते हैं, टॉर्जन का मतलब है एक पार्ट को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं और एक को क्या करूं एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलते टॉर्जनल, क्या बोलते हैं, हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं, डर सबसे ज्यादा लगता है, डर बढ़ता जाएगा, डर सबसे कम, डर कंप्रेसिव, फिर टेंसाइल, फिर शियर, क्योंकि मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा डर इससे लग रहा है क्योंकि आपके कोर्स में यही तक है, सबसे डरावना तो बेंडिंग है, सबसे डरावना कौन है, बेंडिंग, एंड देन कम्स बेंडिंग, बेंडिंग इतनी खतरनाक, बेंडिंग स्ट्रेस इतना खतरनाक है कि अगर बेंडिंग हो गई मटेरियल पे तो बेंडिंग होते ही मटेरियल की बैंड बच जाती है, एक्सैक्टली जबरदस्त तरीके से बैंड बच जाती है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ बकवास गंदा पेन, पेन यार बहुत सारे, लेट मी शो यू ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ध्यान दीजिए, पहला कंप्रेशन दबाओगे है ना, दूसरा टेंशन खींचोगे, तीसरा शियर है, इसमें दिखाना मुश्किल है, शियर के लिए किताब चाहिए मोटी, हाँ बटन में किताब में अच्छा लगता है, देखो ये शियर स्ट्रेस, देखिए कैसे, नीचे वाली बॉडी को हमने फिक्स कर दिया, पकड़ लिया, ऊपर वाली बॉडी पर सरफेस पे मैं टेंशन फोर्स लगाई, तो आप देखिए जो वर्टिकल लाइन है ये इसका शेप चेंज कर रही है पूरी की पूरी, अगर मैं इसे और खींचूंगा तो ये शेप चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, और मोटी किताब अगर किसी के पास हो, यहां रखी गई है ना, ये ऐसा लोड़ा ऐसे रखिए, इसमें होगा बढ़िया तरीके से, शेयर स्ट्रेस का क्लासिकल एग्जांपल इसमें हो जाएगा, देखिए ध्यान से, आप केवल इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को, अभी ये रेक्टेंगुलर टाइप का है, जब मैं इसे करूंगा तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये कहलाता है शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी को फोर्स आप सरफेस पे लगाते हो उसको कहते हैं शेयर फोर्स, क्या बोलते हैं, व्हेन यू कट समथिंग थ्रू अ नाइफ यू यूज अ ब्लो व्हिच इज एंगुलर इन नेचर, अगर मैं चाकू लेके आऊं और मैं एक एक, एक, एक लौकी लेके आऊं साथ में, तो मैं ऐसे काटूंगा तो साइंस कटेगी या ऐसे काटूंगा तो साइंस कटेगी, एंगल पे ना, तो ये एंगुलर फोर्स जो होती है उसे बोलते हैं शेयर फोर्स, क्या बोलते हैं, इट इज नॉट शेयर फोर्स, बेसिकली एंगुलर फोर्सेज बोलती हैं हम दोनों, हमारा एक कॉम्पोनेंट पैरेलल भी होगा जो कि शेयर काम करेगा, एक कॉम्पोनेंट पैरेलल भी वर्टिकल भी होगा जो जो स्लाइस भी करेगा, तो ये सरफेस वाली फोर्सेस, जब भी सरफेस पे फोर्स लगाओगे तो नाम होगा इसका शेयर फोर्स, देन कम्स टॉर्शनल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बॉडी टॉर्शन में तुरंत बगल ले जाती है, आप इस बॉडी को यहां पकड़ लो, यहां से घुमाओ, यहां से घुमाओ, तो बीच में रोटेशन चालू हो गया, ये इसको करने के लिए सबसे क्लासिकल एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी, आप आगे ऐसे पकड़ लीजिए और जब हमारी आपकी आंखें बाहर आती हैं तुरंत ही, क्यों हो रही है, बिकॉज दिस इज बेसिकली व्हाट टॉर्शनल, बट देन कम्स द मोस्ट बेंडिंग, आओ किसी के साथ करते हैं, इधर आता हूं, सो मैं शुभ कह रहा सारे सारे फोर्स दिखाता हूं, तुम्हें फील आएगा, अरे आ जा लेट बात करूं, बंद करना है अभी करता हूं, ध्यान दीजिए, टेंशन वेंशन आसान था, खींच लिया टेंशन, कंप्रेस कर दिया, थोड़ा स्ट्रांग रहो, कंप्रेस कर दिया, तो ये आपका कंप्रेशन, अब आया शियर, तो शियर यहां दिखाना मुश्किल है, उसके लिए मैं चाकू लेके आऊंगा करूं, उसके ऊपर मजा आएगा इसको, देन जो आ रहा ना बेंडिंग, वो जबरदस्त है, डरना कुछ होगा नहीं, यहां तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इससे एक यहां लास्टिक लिमिट के अंदर है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अभी हो रहा है, अभी बहुत हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है, अब हो रहा है ना, काफी फ्लेक्सिबल है, यदि वो बेटा अब इसके बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है इसलिए मत बोल,
नहीं हो रहा अभी भी थोड़ा हो रहा ना, ये आसान था, लेकिन अब जो मैं करूंगा उससे वो तुरंत ये हर बार हफ्ते ऐसे करता है कि हाँ नहीं हो रहा है, बट अभी होगा, अभी तुरंत होगा, तुरंत होगा, तुरंत हो रहा है, इधर टाइम लगेगा नहीं, हल्का हल्की सी फोर्स में इनकी आंखें बाहर आ रही है और यहां पे इतना घुमा दिया नहीं आ रही, बिकॉज ये वाली जो फोर्स है उसका नाम क्या है, बेंडिंग। और भाई साहब ये इतनी खतरनाक है जो जो ह्यूमन बॉडी की बैंड किसी भी बॉडी की बैंड में आ सकती है, बेंडिंग। थैंक यू बेटा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं कहता हूं बेंडिंग फोर्स, अच्छी बात तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बिकॉज बेंडिंग और टॉर्शन पढ़ने के लिए आपको पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है, तब पढ़ाई जाती है, बट यू शुड अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ खतरनाक फोर्सेस। स्ट्रेस हल्का, यहां पर मैं इनको हल्का नहीं बोलूंगा, दोनों बराबर है, ऑलमोस्ट दोनों बराबर है। देन कम्स शेयर, देन कम्स वगैरह वगैरह वगैरह, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी बना ली है तो आगे बढ़ जाऊं। अगली क्लास आपको लेके आऊंगा, दिखाऊ यस वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड। बेल्डिंग बेंडिंग की यील्ड लिमिट सबसे कम होती है, बोले हमें हल्का सा बेंड करो टाटा बाय बाय हो रहा था ना, हल्का सा बेंड करने पर ही बॉडीज विल जय श्री राम हो जाएगा उनका तुरंत ही। तो नॉर्मली वी डू नॉट अलाउ एनी मटीरियल टू बेंड एज फार एज पॉसिबल, इफ इट इज बेंडिंग वी ट्राई टू अवॉइड इट बिकॉज इट विल फेल लाइक एनीथिंग, प्लीज रिमेंबर दिस। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस बस बाय बेटा। एग्जैक्टली हर एक टाइप ऑफ स्ट्रेस, कंप्रेसिव, शियर वगैरह वगैरह वगैरह, हर एक में अलग अलग होगी। और कोई मटेरियल बोले मेरे पर कंप्रेसिव भी लगता है, टेंसाइल भी लगता है, शियर भी लगता है, बेंडिंग भी लगता है, तो सबसे कम जो होगी वो लेनी पड़ेगी, सबसे कम जो होगी वो लेनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊं, देन कम्स स्ट्रेसेस के बारे में नोट्स, ध्यान दीजिए स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी है क्लास 11th में, बट यस इट इज नॉट स्केलर, इट इज अ टेंसर, और इस बार ये टेंसर रैंक 2 का है। देयर आर 3 रैंक्स ऑफ टेंसर्स, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। रैंक 1 वाज प्रेशर एंड करेंट, रैंक 2 इज ओनली स्ट्रेस, रैंक 3 इज वन मोर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, रैंक 3 होते हैं। नॉर्मली हमने भी रैंक 3 नहीं पढ़े, सब पढ़ाया बोलते हैं कि 3 होते हैं, हमने भी रैंक 2 तक ही पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इफ यू somebody asks you स्केलर है कि वेक्टर है, प्लीज आंसर स्केलर है। somebody asks you in a ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहां पे टेंसर ऑप्शन में, तो इट इज अ टेंसर, हाँ या ना, कोई प्री डिफाइंड डायरेक्शन नहीं। द बेस्ट पार्ट इज रैंक 2 टेंसर्स डू नॉट हैव अ प्री डिफाइंड डायरेक्शन, रैंक 1 डू हैव, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो आप जानते ही हो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स है आपका एम एल टी माइनस 2 बाय एल स्क्वायर, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। स्ट्रेस आर ऑफ फॉलोइंग 3 प्रोमिनेंट टाइप्स जो आपको याद होने चाहिए, नॉर्मल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शियर। वॉल्यूमेट्रिक हम नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हल्का से, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड्स के लिए डिफाइंड है। इसके लिए फ्लूइड्स, फ्लूइड मतलब केवल लिक्विड या गैस भी, गैस यस, मतलब बेटा दोनों के लिए, लिक्विड के लिए भी, और सबसे प्रोमिनेंटली डिफाइंड है ये गैस के लिए भी। जब हम गैस इक्वेशंस पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, छापते रहो। हम गया ना सुबह 8 बजे क्लास दे रहा हूं, समाप्त होने वाला क्लास का समय 5 मिनट बाद छोड़ दूंगा, ठीक है, बिकॉज मैं थक गया हूं, सुबह 8 बजे क्लास दे रहा हूं, अम्मी बैठ जाइए, जल्दी कर लो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या मैं देखूं क्या है अगला, स्ट्रेन, स्ट्रेन का छुट्टी, उत्तम ही शायद आज पहले फर्जी बारिश हो रही, किस लिए जल्दी, अबे जल्दी करो यार। नेक्स्ट स्ट्रेन, फोन फोन लाया कोई,
अरे यार फोन पे बात हो, अबे नहीं 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 भैया मामा का फोन, बाद में बात करना, फोन लाई फोटो खींच ले भेज देना इस अगले पॉइंट को हैं। अबे देन दे तेरी मर्जी, जो भी फोन फोटो ले लो ग्रुप पे भेज देना, ये नहीं ये तो मैं लिख चुके हैं स्ट्रेन, मैं समझाता हूँ लिखना घर पे ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेन, यहाँ तो हमार ऐसा फोटो खींच रही है इतने पीछे तो और क्या करूं, ठीक है भेज देना प्लीज। आज लिखते हैं, लिखते हैं मतलब समझते हैं, जब भी रिलेटिव चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो, ये वर्ड थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, व्हाट डू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन, शेप एंड साइज दोनों चीजों में कोई चेंज आए तो इट रिजल्ट्स इनटू स्ट्रेस, इवन स्ट्रेस दिस रिजल्ट्स इनटू स्ट्रेन, दिस रिजल्ट्स इनटू strain. Strain is defined as change in configuration upon original configuration. क्या बेटा? Change in configuration upon original configuration. It is a pure ratio and therefore it has no unit. ध्यान दीजिए, अगर मैं कहता हूं कि पहले body की length L थी, क्या थी? और क्योंकि tension लगाया गया body की length हो गई L plus delta L. डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, हाँ कि ना, तो इस स्ट्रेस का नाम है, इस स्ट्रेस का नाम है नॉर्मल स्ट्रेस एंड द फॉर्मूला इज डेल्टा एल बाय एल, क्या आया? डेल्टा एल बाय एल। बोलो जी, इस स्ट्रेस को जब स्ट्रेन को जब स्ट्रेस नॉर्मल होता है तो स्ट्रेन भी कौन सा होता है? नॉर्मल। कौन होता है? नॉर्मल। तो पहले दो एग्जाम्पल है नॉर्मल स्ट्रेन के, इसके नॉर्मल स्ट्रेन के, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यहां पर भी चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यहां पर शेयर के बारे में कल बात करेंगे, इन दोनों के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन डायग्राम आप बना लीजिएगा ठीक है। आई विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट बेंडिंग और एक ही होता, नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के लिए बताया जाता है ठीक है। बस तीन बचे, ये तीन चीजें बची हैं, लॉन्ग डिटेल से बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर एंड देन इन सब का कॉम्बिनेशन जो कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, केवल छह स्लाइड्स हैं इसमें। सबसे लास्ट में एक ग्राफ दिखाऊंगा, उस ग्राफ के बारे में अंग्रेजी में आपको लिखवा के दूंगा, पता नहीं मैं तो कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा यार, ऐसे समझ छोड़ दूंगा, क्वेश्चन तो कराने का है। थैंक यू सो मच, एक दिन और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। परसों भी ना हम ये यही पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे परसों। और भाई पलक यही आ रहा है स्कूल में ना, ये तो नहीं है फ्लूइड दिया जाएगा, फिर फ्लूइड नहीं पढ़ाऊंगा। और सुनो एक और डिस्क्लेमर, मैं केवल सॉल्वेंट पढ़ाऊंगा, फिर मैं एनएलएम पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगर समय मिले तब मैं फ्लूइड पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर आप कहें कि आपके स्कूल में फ्लूइड भी आ रहा है और मैं फ्लूइड से पढ़ जाऊं, इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दैट विल वेस्ट दी एसेंस ऑफ फिजिक्स, डाउन हो जाएगी फिजिक्स की। बस स्कूल यही चाहते हैं, उज्जवल बैच का नाम भी कॉपी कर लिया होता पढ़ जी। बाय बच्चों, अबे कम से कम ये भी कॉपी कर दो कि कम से कम नाम तो अपना रख लेते, मेरे नाम कॉपी कर लिया, उज्जवल नाम रखे इनके बैच चलो स्कूल में है?